आप देख रहे हैं एलएन न्यूज। कोई माँ बहन को हमारा दर्द नहीं आ रहा, कोई एनजीओ को नहीं आ रहा, ये खदारे पॉलिटिशियन को तो नहीं आ रहा, ये भ्रष्ट नेताओं को तो नहीं आ रहा। इनके हिस्से बकरे यहाँ बनाए हुए हैं, हम जाएंगे तो इनको करोड़ों की प्रॉपर्टी मिलेंगे, लेकिन हमारे लिए कोई माँ बहन कोई एनजीओ कोई संस्था हमारे लिए है जो हमारे लिए बाहर आ सकती है, हमारे लिए रोड पे उतर सकती है? न्यायालय के खिलाफ, ये भ्रष्ट न्यायालय के खिलाफ, यहाँ संविधान का टुकड़े किए जाते हैं, यहाँ संविधान के न्याय का कोई मतलब नहीं रहा। जहाँ पैसे का के जहाँ खासदार आमदार कोई मदद नहीं करे, और जहाँ पर खुद कलेक्टर जज के कैबिन में 9 बजे से बैठता और बाद में निर्णय लाता, ऐसा ये राज्य चल रहा है? ये राज्य उद्धव ठाकरे का नहीं, ये भ्रष्टाचारी का राज्य है, ये अत्याचारी का राज्य है। कलेक्टर को जज मदे नौ कैबिनेट ना छोटे बच्चे हैं हमारे को कोई पूछना नहीं, आखो देते खुद बराबर आते डालो आखिर ज्यादा का हम लोग हमारा कोई वजूद नहीं है क्या? हमारा सब पहचान यहाँ की है, हमारे बच्चे की पहचान यहाँ की है, हम कहाँ जाना? पूरे पब्लिक है, माँ बहनों है हमारे, सब हमारे गरीब लोग हैं यहाँ पे। किसके दूल्हा मर गए, किसके माँ बाप मर गए, कोई अंतिम है, कैसा रहना हम लोग, कहाँ जाकर रहना? इतने जने कोई आगे पूछने नहीं, वो ठाकुर बराबर आते हैं, हमारे को डालो तुम्हारे को डालो किसको डालो, आप किधर जाना हमें बता बहना, उनको वोटा लेते बैठ जाते कुर्सियाँ पर, कुर्सियाँ उनके अच्छा है, हम कहाँ रहना? हमारे को एक झोपड़ा भी नहीं है आज अब से। कलेक्टर को क्या रोग आया? जनता की सेवा करने को आया क्या? घर तोड़ने को आया हमारे? किधर जाना हमें? बाल बच्चा को, उसको बाल बच्चे नहीं है क्या? हमारे बाल बच्चा को सड़क पर ला रहा, उसके घर का नहीं तो उसके ऑफिस में जा तो बैठेंगे, सब जने सब बाप है ना, चलो उसके ऑफिस में वहाँ जाएंगे, वहाँ बैठेंगे हमें। किधर जाना हमें बता, उनको